नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। 28th डे की प्रैक्टिस पे आए हैं हम। सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग कौन अभी तक कंटिन्यू है बताइए तो, और कैसा लग रहा है बताइए तो, अच्छा लगेगा है ना। पता तो चले कि कैसे मेहनत करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं और क्या फील कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो लोग इस प्रैक्टिस को बीच बीच में छोड़ रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उनको कम से कम इतना तो समझ में आएगा कि क्या चीजें सिर्फ और सिर्फ एक महीने में आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो एक महीना भी नहीं हुआ यार, उससे भी कुछ दिन कमी है अभी। ओके, तो आपको क्या क्या करना है इस चीज को लेकर के अभी बात करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे है। ये सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हीलिंग के अंदर आपकी डीप ब्रीदिंग है ही, आपकी कोई भी मेडिटेशन है ही, आपको सुबह सुबह उठना है, अपनी मैजिकल मॉर्निंग बनानी है यानी कि कृतज्ञ होना है, एंड देन ho'oponopono प्रेयर आपको मॉर्निंग में ही 2 मिनट के लिए कर लेनी है बेड पे लेटे लेटे ही। इसके बाद में आपको जब भी टाइम मिलता है आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, और डीप ब्रीदिंग के साथ में आप या तो मैनिफेस्टेशन मनी वाली लगा लीजिए, अपनी सेल्फ लव वाली लगा लीजिए। मैंने सारी की सारी मेडिटेशन से एक एक करके आप लोगों के साथ में शेयर की है, और भी आगे मैं चैप्टर्स के हिसाब से आप लोगों के साथ में मेडिटेशन शेयर कर रही हूँ। तो अपने हिसाब से जो आपको मेडिटेशन अभी इस वक्त मन कर रहा है करने का करते रहिए, बस बोर मत होइए। इसीलिए इस चीजों को मैं ऐड कर रही हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा ये मजेदार बना रहे, बिल्कुल एक जैसा ना रहे। ठीक है, एक तो हो गई आपकी मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड वॉक हो गई, आपको ग्रेटिट्यूड वॉक लेनी है। इसके बाद आपका अफर्म्ड वाटर हो गया, आपको वाटर को अफर्म करके पीना है। एंड देन आपकी जो दूसरी चीजें जुड़ती हैं वो ये होती है कि आपको आधे से पौने घंटे की वर्कआउट लेनी है, उसके पहले आपको 2 मिनट के लिए ho'oponopono प्रेयर करनी है अपने लिए। अभी इस बीच में जो जादू प्रैक्टिस से चीजें जुड़ी हैं वो हैं 3 टाइम आपकी मैनिफेस्टेशन के बारे में सोच लेना। तो सोचिए सोचिए सोचिए, और एक मैनिफेस्टेशन ऐसी भी रख ही लीजिए कि आप अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना बेस्ट वर्जन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन एक्चुअली लाइफ टाइम काम आएगी। बाकी दूसरी तीसरी चीजें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी है ना। मेन जो आपकी मैनिफेस्टेशन होगी वो आपसे जुड़ करके होगी, देन आप असली जादू देख पाएंगे। तो ये आज से मैं आपको बोल रही हूं कि जस्ट मैनिफेस्ट योर सेल्फ, यहां से शुरू कीजिए। ठीक है, सेल्फ लव के अंदर अगर आप सिर्फ इतना भी सोचते हैं कि यार मैं अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही हूं, क्या है मेरा बेस्ट वर्जन, किन चीजों की तरफ मुझे जाना है, और ये जादू प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस ही मुझे यहां से मदद करने वाली है, मैं नहीं पीछे हटने वाली हूं, मैं नहीं पीछे हटने वाला हूं, बस बस इतना काम आपके मैनिफेस्टेशन के लिए आपको आगे बढ़ा देगा, इतना ही पुश चाहिए आपको। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, यहां तक तो हो गए आपकी हीलिंग की चीजें जहां पर मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया। और एक और बात शेयर करूंगी कि रात को सोने के जस्ट पहले भी आपको ho'oponopono प्रेयर करके ही सोना है, ताकि अब वो चीज आपकी हीलिंग में ऐड हो जाए। और सेल्फ लव में मैं एक आपकी मैनिफेस्टेशन खुद के लिए लगा रही हूं जो एक अफर्मेशन के साथ है कि मैं अपने आप को बेस्ट वर्जन में मैनिफेस्ट कर रही हूं और मैं इसमें सफल हो ही रही हूं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी अफर्मेशन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो अफर्मेशन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिए, बहुत सारे लोगों को मदद हो जाएगी। अब बात करते हैं आपकी, यहां तक हो गई सेल्फ हीलिंग की सारी बात, जहां पर आपकी ho'oponopono प्रेयर है, मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग है। ठीक है, अब वाटर अफर्मेशन है, ग्रैटिट्यूड वॉक है, और बाकी जितनी भी चीजें अभी तक मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद आ जाते हैं सेल्फ लव के ऊपर। आधे से पौना घंटा वर्कआउट है आपका, एक्सरसाइज है, योगा है, आपको जो ठीक लगता है करते हैं आप, और 2 मिनट पहले ही आप ho'oponopono प्रेयर करते हैं। यार इस इंसान को तो भूली हुई थी मैं, अब मैं इसको पकड़ रही हूँ, एंड देन आप स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या उसको भी मजा आएगा करने के लिए, आपका शरीर, आपका सोल, सब कुछ कह रहा है यार क्या बात है, अभी पक्का आपने आपको यू नो एक्सेप्ट कर लिया। एंड इसके बाद में आप क्या करते हैं, आपने कर लिया आधे से पौने घंटे का जो भी आपका वर्कआउट था, 10 आपको ब्लेसिंग्स को अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल के अंदर काउंट करना है। मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हो सकती हैं, बिना मैनिफेस्टेशन वाली हो सकती हैं, मिक्स एंड मैच करते चले जाइए। ठीक है, यहां पर ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। तो आज की जो प्रैक्टिस में एक्स्ट्रा चीज जुड़ी है, क्योंकि पिछले जैसे ही बिल्कुल प्रैक्टिस है, मैनिफेस्ट योर सेल्फ का अफर्मेशन को डालना है, अपने आप के बेस्ट वर्जन को डालना है। इसी तरीके से अब मैं सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग की प्रैक्टिस के अंदर और चीजें ऐड करती जाऊंगी, ताकि ये जो प्रोसेस है ये तगड़े तरीके से काम करे। चैप्टर वाइज तो चीजें चली रही हैं, हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन अब सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग के अंदर और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होंगी, जो
ऑब्वियसली हमारे से जुड़ी हुई होंगी, ताकि हम उस एनर्जी को अपने अंदर डाल सकें और आसानी से अट्रैक्ट करने के लिए खुद को वो बना सकें जो कि अलाइनमेंट समझ पाए और उस चीज के साथ में एक मैच को समझ पाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्या क्या चीजों को किस तरीके से हमें आगे जाकर के फॉलो करना चाहिए उनको समझ पाए, इसके आगे की जो प्रैक्टिसेस आएंगी जो थोड़ी और ऊपर वाले लेवल की होंगी वो समझ पाए और धीरे धीरे फॉलो करते करते इसी लाइफस्टाइल को अपना लाइफस्टाइल ही बना रहे, इसी चीज को जो 56 डेज हम कर रहे हैं इस समय हमने जो लाइफस्टाइल अपनाया हुआ है इसको हम लाइफ टाइम के लिए अपना ले, ठीक है। तो ये है छोटी छोटी चीजें जो अभी आपको करनी है, रात को जो सोने के भी पहले आपको होपोनोपोनो प्रेयर करके सो जानी है। सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग इस तरीके से जुड़ रही है और आगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से जुड़ने वाली है, तो बने रहिए, करते रहिए प्रैक्टिस, आपको सच में मजा आएगा, सच में जादू होगा। अपने अपना रखिए ख्याल, अपने जो ढेर सारा प्यार था, अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार, आई लव यू ऑल, टाटा।